तो क्लास टेंथ के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी 9 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है, उसके लिए सेट सी का देख लिए मैंने, कॉपी में पूरा सॉल्यूशन बच्चों के द्वारा लिखा लिया है, ठीक है। बढ़िया से आप तो घबराइए मत, वादा आपसे क्या है, हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया था कि बेटा है ना, हिंदी के पेपर में भी मैं जो बता रहा हूँ उनको आप कंप्लीट करके जाओ, जिन बच्चों ने नहीं देखा है ठीक है, तो हिंदी के पेपर में जाकर आप मिलान कर सकते, पूरा का पूरा ही फंसा था, ठीक है। चलिए तो बढ़िया से अपन इस पेपर को पहले अच्छे से पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेट ए और बी हो चुका है, इसके बाद में ये सी आपका चल रहा है। रामेन इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, तो तृतीय विभक्ति जाएगा। राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम, तो राजा ना आ जाएगा। द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो यहाँ पर फलमान जाएगा। एक वचन का जो रूप है वो है राज्ञा, ठीक है। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृते एव आराधना, पर्यावरण से संरक्षणम, तो इसका आ जाएगा आपका यहां पर एव, है ना। और आगे है पर्यावरण की सुरक्षा करना ही क्या, प्रकृति की आराधना है। अधो लिखेतेषु अवयव नास्ति, इनमें से कौन सा अवयव नहीं है, अस्तु। चलिए इसके बाद में है आपका रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान में आपका देख लीजिएगा यहां से महान रिपु इतनियो पदियो विशेषणम, तो इसमें जाएगा महान पहला। दूसरे की बात करें तो व्र सभम लिख देना है आपको, तीसरा आ जाएगा रसालम, चौथे में आपका यहाँ पर देखिए शीघ्रम का पर्यायवाची है ना, शीघ्रम का जाएगा दूत गत्या, और पांचवा जो है मुचिंती आ जाएगा, और छठे में जाएगा प्रथमा का विलोम शब्द आ जाएगा द्वितीय, ठीक है। बढ़िया से मैंने कहा ना, आप बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया, यहां से हो गया। सही जोड़ी है भानुदे, भानुदे का जाएगा आपका दीर्घ संधि, भानुदे का जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। सुर प्लस ईसा, सुर प्लस ईसा का जाएगा गुण संधि, ये जाएगा गुण संधि। दशानन, दशानन में आ जाएगा बहुब्रीय समास, दशानन का कौन सा समास रहेगा, बहुब्रीय। बानहता, बानहता में जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। पंचवटी, पंचवटी में आ जाएगा दिग्गु समास। पितरो, पितरो का आ जाएगा द्वंद समास, ठीक भैया। यहाँ से बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा, आप तो है ना अच्छे से नंबर प्राप्त करने हैं, तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट कर लो, उसके अलावा भले ही पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है ना। कथिता इतस्मिन पदे प्रत्यय का अस्ति, तो कृत प्रत्यय इसमें। अज प्लस ताप का जाएगा अजा। गता इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो गता में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो गता में आपका रहेगा कत प्रत्यय। अग्नि अनेशम महा महानगर नगर मध्ये किम प्रचलिता कालाया सक्चक्रम, ठीक है। काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्र मन्यते आदर्शा, उदय समय अंत समय चा का रक्त बहुती सविता, ठीक है भैया। अब है आपका शुद्ध अशुद्ध, पंचंती तस्मिन पदे परस्य धातु अस्ति ना, दूसरा आपका ना रहेगा। तीसरे की बात करें आम लिखना है आपको, है ना। चौथा आम रहेगा, पांचवा आम रहने वाला है, और छठा अंतिम वाला ना कर देना है, ठीक है। बढ़िया से आप कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है भैया। अत्र जीवितम की दृशम जातम, ठीक है। यदि हम क्वेश्चन नंबर छठे की बात करें तो अत्र जीवितम की दृशम को हटा देना है, और इसकी जगह पर आ जाएगा आपका दुर्वाहन, हो गया। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो ये का हटा देना है, और इसकी जगह पर पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। बुद्धि, नहीं तो पता चले केवल बुद्धि लिख दो बस, इतना नहीं। सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती, कस्मात् कारणात्
महानगरेषु संस्मरण कठिन वर्तते। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सातवां जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से लो ये, और इसका अथवा वाला भी ले लेना है ना भैया। ठीक हो गया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं और आठवां देखते हैं। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, तो मातु अधिक कृपा, ये कस्मिन की जगह पर आ जाएगा आपका दुर्बले, दुर्बले सूते भवति। बाल भवात हिमकरा कुत्र विराजते, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जाएगा ये आठवां है ना, ये आठवें का तो वाला ये यहाँ से लो, इसका उत्तर है ना ये। हो गया इतना, पूरा लिखवा लिया, ऐसा नहीं है बच्चों के द्वारा मैंने, ताकि आपको हमारे बच्चों को कठिनाई नहीं होना चाहिए जो इस चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए इसको भी देखते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए मैंने भर दिया है, निर्धना जना कथम विपत्त उपार्जितवान, तो यहाँ देखिए कथम हटाना और इसकी जगह पर भूरी परिश्रम्य लिखना है, तो पूरा बन जाएगा निर्धना जना भूरी परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। इसी तरह का की जगह पर आ रक्षा जाएगा, यानी कि वास्तुता चोर कौन था, तो कोतवाल जो था ना वही चोर था। सरस तीरे वसंती, तो इसका आप ढूंढ लेना, नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्षणम एकांतरे कांत आ जाएगा, यहाँ से अपन आगे की बात करेंगे, तो पक्षिना को हटाकर पूरा केसाम लिख देना है, पूरा मतलब लिख के कि इसको हटा कर केसाम लिख दो, पूरा लिख दो, और क्वेश्चन मार्क मत भूल जाना क्योंकि प्रश्न में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ये मैंने पूरा भर दिया है। फिर इसके बाद में है आपका का कम कथ्यति, मतलब किसने किसको कहा, तो गच्छ वत्से सर्वभद्र जायते, तो ये इंद्र ने सुर भीम को कहा था और नीचे वाला सुरभि को इंद्र ने कहा था। तीसरा आप देख लेना। यहाँ से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें आपके दिए गए हैं श्लोक, क्या दिया गया है, श्लोक दिया गया है, और यहाँ पर अगला है आपका अशुद्ध वाक्यान है, तो शुद्ध करना। देखिए पुत्रस्य जो लिखा है ना, इसका जाएगा पुत्रेन, बस पूरा लिख देना है, ऐसा नहीं मैं तो यहाँ पर इतना सा लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है, पिता पुत्रेन सह गच्छति, शिव नमः, शिव को हटा देना है, और क्या लिख देंगे, शिवाय नमः, क्या जाएगा, शिवाय नमः। वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षस्य का जाएगा हट जाएगा और वृक्षात इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये वृक्षात हो गया। ठीक है, इसके बाद में माता बालकम दुग्ध दधती, तो बालकम का हट जाएगा और क्या जाएगा, बाल काय आ जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक। इसके बाद में अपन 15 की बात करें, तो यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पहले में आपको यहाँ पर अही भूक भरना है, दूसरे में राजपुत्र भरा जाएगा, तीसरे की बात करें तो यथा समय आपका हो जाएगा, चौथे में बुद्धिमति हो जाएगा, पांचवे के अंतर्गत चित्ते आ जाएगा, ये अपन और छठा भ्रम आ जाएगा, कर लेना है ना, क्योंकि इतना ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको देखिएगा आप, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्रम संयोजन है, घटना के अनुसार बोलते हैं अपन इसको, ठीक है, तो यानी घटना के अनुसार एक बाय सीरियल बनाओ, तो देखिए पहला ये है, दूसरा ये बनेगा आपका, तीसरा और ये चौथा, नंबर रट के नहीं जाना, थोड़ा पढ़ के जाना है ना। यदि हम बात करें इसके क्रम संयोजन की, तो अथवा वाला है, ये पहला रहेगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा रहने वाला है। हो गया, अब है वाच्य परिवर्तन क्रूत, तो ये देख सकते हैं वाच्य परिवर्तन में आपका, ठीक है भैया, चलिए वाच्य परिवर्तन क्या है, कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर ये 17 है, तो ये मैंने बच्चों पे देखिएगा कॉपी में लिखवा लिया, ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आई, इसलिए ये स्क्रीन शॉट ले लिया इसका, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहा, ले लो स्क्रीन शॉट। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, ये वैसे एक सेपरेट वीडियो में मैं इनको समझाऊंगा, लॉन्ग वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, वो डाल दिया है चैनल पर, लॉन्ग वीडियो है जो रहेगा, ठीक है, बड़ा वीडियो उसको प्ले लिस्ट में जोड़ भी दूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, इसका अथवा हो गया है, ये अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये यहाँ पर 18 हो गया, 18 इसके बाद में इसका अथवा वाला देख सकते हैं, ये यहाँ पर है,
हो गया भैया। फिर इसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है जो है, यह तो वाला हो गया 18वां पहले, तो ये 18वां हो गया पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हो गया, ये इसका अथवा वाला यहाँ पे है। उन्नीस देख सकते हैं आप, ये यहाँ से हो गया है और ये 19 का अथवा है, हो गया भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था और ये 19 का यहाँ पर उत्तर है, ये देख सकते हैं आप तो, और ये इसका अथवा वाला का उत्तर है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रश्न लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, ये यहाँ से इसका आंसर पूरे के क्वेश्चन नंबर 20 के, यदि हम बात करें तो ये इसका अथवा है यहाँ पर, और ये 20 का अथवा यहाँ पर मेरे पास भी है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये यहाँ से है, हो गया। चलिए मैं इसको इसमें बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 ये, और ये क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन नंबर जो 23 है अपन ने सेट ए में